नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज 27 मई गुरुवार का दिन है, ऐसे में तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। तुला राशि वाले जातकों को आज का दिन कौन से क्षेत्रों में कार्य करने से ज्यादा सफलता, आपके मान सम्मान स्थिति में बढ़ोतरी हो सकेंगे, आप अपने कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हैं, आज के दिन आपका लकी कलर लकी नंबर कौन सा रहने वाला है, किस प्रकार से आप लोगों के जीवन में खुशियां आ सकती हैं और किस प्रकार तकलीफें और सारी की सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है, आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मुझसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों, तुला राशि वाले जातकों का आज का दिन काफी ज्यादा उत्तम फलदायक रहने वाला है। आज आप दूसरों की मदद करने से आपको सुकून की प्राप्ति होंगे, आपके मन में प्रसन्नता बनी रहेंगे। रात्रि के समय परिवार के साथ किसी सदस्य के साथ तबीयत बिगड़ सकती है, जिससे कि आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना हो सकता है, परंतु उनके तबीयत में बहुत जल्द सुधार होने वाला है। आज का दिन आपके लिए परोपकार में काफी ज्यादा व्यतीत होंगे, कार्य क्षेत्र में भी आपके कुछ परिवर्तन विपक्ष में आने वाले हैं, आपको पदोन्नति की प्राप्ति होंगे, आपके शत्रुओं के संख्या में बढ़ोतरी होंगे, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत होंगे। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों के व्यापारी वर्ग के जातकों को बताना चाहेंगे कि आप अपने दुकान आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के प्लानिंग अवश्य करें, जितना ज्यादा हो सके ग्राहकों के साथ संबंधों को बेहतर करने के अवश्य कोशिश करें, तभी आप अपने कार्य क्षेत्र में माहौल को अच्छा बनाने में अवश्य कामयाब रहेंगे, आपको जीवन में सुखद परिणामों की प्राप्ति होंगे। यदि लंबे समय से किसी कार्य को अधूरे छोड़े हैं, उन सारे के सारे कार्य को पूरा करने में आपका समय निकलने वाला है और आपको परिवार के साथ मांगलिक समारोह में सम्मिलित होने के मौके भी प्राप्त होंगे, परिवारजनों के साथ हंसी मजाक में पूरा दिन व्यतीत होंगे, जिसमें परिवार के छोटे बच्चे और मौज मस्ती भी करते हुए नजर आएंगे। आप लोगों के छोटे बच्चों का वेतन भी आप लोगों के घर में हो सकता है। आप अपने व्यापार व्यवसाय से संबंधित, नौकरी से संबंधित या जिस भी क्षेत्र से आप जुड़े हैं, उन सभी संबंधित क्षेत्रों से आपको शुभ समाचारों के सुनने की प्राप्ति भी होंगे। संतान की शिक्षा के क्षेत्र में चली आ रही आपकी बाधाएं भी अवश्य दूर होंगे। आपको किसी महत्वपूर्ण काम काजों को करने के लिए यात्राओं पर जानी पड़ सकती हैं, जो आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी रहेंगे, काफी ज्यादा कल्याणकारी रहेंगे और कई क्षेत्रों में आप अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव कर सकते हैं। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आपके लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा सुखद रहने वाला है, कार्य क्षेत्र में भी आपकी बढ़ोतरी होंगे, शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगे, जीवन में पैसे से जुड़े हर प्रकार के दुख तकलीफों को दूर करने का, आर्थिक स्थिति में बदलाव करने के, धन दौलत में बढ़ोतरी करने के मौके भी प्राप्त होंगे, जीवन में आप लोगों को सफलता की प्राप्ति भी अवश्य होने वाली है। तथा तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज किसी के साथ में वाद विवाद मनमुटाव न करें, जितना ज्यादा हो सके लोगों के साथ परोपकार की भावनाओं को अपनाते हुए कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप लोगों के जितनी ज्यादा मदद करेंगे, आप लोगों के समाज वाले, घर वाले, परिवार वाले आपके उतने ही इज्जत करेंगे, आपके पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होंगे, आर्थिक स्थिति में व्यापारिक स्थिति में बदलाव की प्राप्ति भी अवश्य होने वाली है, जिनकी वजह से आप काफी ज्यादा खुश होंगे। मित्रों, भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में आपको बड़ी खुशखबरी मिलने के साथ साथ कुछ ऐसे कार्य को करने के मौके भी प्राप्त होने वाले हैं, जो आपके लिए काफी खास और काफी महत्वपूर्ण रह सकता है। आपके जीवन में आपको अलग अलग क्षेत्रों से नई नई जानकारियां हासिल हो सकते हैं तथा आप अपने दैनिक दिनचर्या में काफ़ी बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। आप लोगों को जीवन के सबसे बड़ी खुशखबरी प्राप्त करने के मौके भी प्राप्त हो सकते हैं। शनिदेव की कृपा से आपके दुखों का अंत होगा और जीवन में नई नई खुशियाँ दस्तक देंगी। आपको अपना सच्चा प्यार मिलने से कोई नहीं रोक सकता। लव लाइफ के मामले में किए गए प्रयास सफल होंगे। पति और पत्नी के बीच रिश्तों में मधुरता आ सकते हैं। प्रेमिका के जिद पर आप किसी रोमांटिक स्थल पर जा सकते हैं। आपको जीवन साथी से सच्चा प्यार का अनुभव होंगे। पार्टनर की तरफ से भी आपको शारीरिक और मानसिक सुकून मिल सकता है, जिनसे आपका मन काफी प्रसन्न रहेंगे। आपके जीवन में नई सफलताएं मिल सकती हैं। आपको अपने सभी कार्यों में पारिवारिक सहयोग मिल सकता है। आपको बिजनेस के व्यापार में अचानक से लाभ हो सकते हैं। आप सभी तरह के कर्जों से छुटकारा भी प्राप्त कर सकोगे। आपको व्यापार और व्यवसाय में उन्नति के योग बन रहे हैं। पैसे कमाने के मौके भी आपको प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा वाले लोगों को उनकी नौकरी में उनके सहयोगियों का पूरा साथ मिलने वाला है।
आपको विशेष रूप से तरक्की भी हासिल होने वाली है। आपको परिवार के माहौल को खुशनुमा बनाने का प्रयास करने होंगे। आपको उच्च पदों की प्राप्ति भी होने वाली है। आपके पास समय की अधिकता रह सकती है। आपका समय मौज मस्ती में निकलने वाला है और शनिदेव जी की कृपा के कारण आप अपने सारी की सारी स्थितियों में परिवर्तन कर सकते हैं। आपको विशेष बड़ी खुशखबरी भी हासिल हो सकते हैं। आप अपने सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। परिवार की आर्थिक स्थितियां भी मजबूत होने वाली हैं। व्यापार व्यवसाय में आपको बेशुमार धन की प्राप्ति होने वाली है। आप अपने सच्चे प्यार को प्राप्त करने वाले हैं। आपके जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होंगे। आप अपने कामकाज की योजनाओं को पूरा कर सकते हैं। आपकी सभी योजनाओं पर धैर्य से काम लेंगे। आपके द्वारा की गई मेहनत का अच्छा लाभ भी आपको मिल सकता है। अचानक से लाभ के कई अवसर भी हासिल हो सकते हैं। घर में आप किसी खास मेहमानों का आगमन कर सकते हैं, जिनसे कि घर परिवार का माहौल काफ़ी खुशहाल बना रह सकता है। आपके जीवन में आपको दुख तकलीफें और समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। धार्मिक कार्य में भी आपकी गहरी रुचि होंगी। जीवन साथी में आपका बदलाव हो सकता है। जीवन शैली में भी काफ़ी बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। खुद पर विश्वास बनाए रखने की कोशिश करें। दूसरों की आलोचना करने से आप परेशान हो सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सा धैर्य रखें। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो आपका यह समय काफ़ी ज़्यादा सही नहीं रहेगा। इसलिए आप अपने करियर में किसी भी प्रकार का कोई भी बदल करने से पहले अच्छे से सोचने का समझने का प्रयास करें। आपको करियर में प्रगति करने के मौके भी प्राप्त हो सकते हैं। आपको किसी विशेष कार्य को करने के परिणाम भी काफ़ी अच्छे हासिल हो सकते हैं। जीवन साथी और बच्चों के साथ आपको समय बिताने की कोशिश करनी होगी। नई परियोजनाओं को लागू करने का आपका सही और काफ़ी अच्छा दिन रह सकता है। आपका सुख बढ़ सकता है। आपको अधिकारियों के साथ समय बिताने के मौके मिल सकते हैं। अधिकारी आपके काम से काफ़ी खुश होंगे। आपको पैसों से जुड़ी किसी भी प्रकार के कोई भी फैसलों को लेने से पहले अच्छे से सोचने का प्रयास लगातार अपने जीवन में करते रहने होंगे। माता दुर्गा की कृपा से आपके शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। आप अपने कार्य क्षेत्र में विशेष बड़ी खुशखबरी हासिल कर सकते हैं। माता दुर्गा की कृपा से मित्रों आपके जीवन में आपको सुनवरे और अनोखे परिणामों की प्राप्ति भी होने वाली है, जिनके कारण आप अपने जीवन में काफ़ी बड़ी खुशखबरी को हासिल कर सकते हैं। आप लोगों को पहले की अपेक्षा काफ़ी खुशखबरी हासिल होंगी। शनिदेव की कृपा से आप लोगों की सभी मुरादें पूरी होंगी। रुके हुए पैसे को भी पाने का कोई नया प्लान बना सकते हैं और कोई नया दिमाग लगा सकते हैं। कारोबारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। भाई बहनों का सानिध्य मिल सकता है। प्रेमिका या पार्टनर से आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। आपकी सच्ची मोहब्बत को बढ़ावा मिलेगा। बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है। आप अपने आप को बेहतर महसूस कर सकोगे और अधिक से अधिक कार्य को सही समय पर कर सकते हैं। ऑफिस और बिजनेस में भी आपको बहुत सारी चुनौतियां मिल सकती हैं। समाज में आपके